हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भी? एक बार एमएस ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। तो चलिए गाइड, हम अब दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुरेश के घर से दूध ले आएंगे, उसके बाद में दूध लाकर चाय बनाकर माता जी को पिलाएंगे और उसके बाद में जो दिनचर्या है वो शुरू करेंगे। तो चलिए सुरेश के घर चलते हैं। मैं इन्फेंट को साफ करूंगा प्रेशर मशीन से, जो देख रहे हैं आप। देखिए गाइस, ये जो मशीन है प्रेशर मशीन, मैंने घर पर ला रखी है। इसी से गाड़ी साफ करता हूँ, इसी से मोटरसाइकिल साफ करता हूँ और इन टू है जो प्रेशर मशीन से मोटरसाइकिल साफ कर रहा है। ये देखिए, अब बार बार बाहर धुलवाने का झंझट खत्म हो गया दोस्तों, क्योंकि जो प्रेशर मशीन मैंने खुद मंगवाई है ऑनलाइन, तो अभी पहले मोटरसाइकिल चिंटू वाली धुलेगी, उसके बाद मेरे वाली और उसके बाद गाड़ी को भी इसी से। देखिए गाइस, हमने 9 दिन के नवरात्रा किए थे, उसमें कलश और देखिए जो कितने बड़े हो गए हैं और इनको आज 9 दिन ख़त्म हो गए हैं, तो पीपल में छोड़ के आएंगे इनको, क्योंकि नवरात्रा के बाद में ख़त्म होने के बाद में इनको पीपल में छोड़ना पड़ता है। तो चलिए पीपल में छोड़ने के लिए तैयार लेते हैं। गाइज, आज बाबा जी के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना होगी और ये बहुत ही शुभ कार्य है, इसलिए हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो चलिए बाबा जी के मंदिर में चलते हैं। ये देखिए गाइज, बाबा जी का मुख्य द्वार आ गया है और हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये यहाँ ऊपर मूर्ति स्थापना और ये देखिए अंदर का सीन, बाहर का गेट देखा था पहले, अब ये बाहर का गेट है और अपन अंदर चलेंगे। अब ये है अंदर का मंदिर, मेन मंदिर, और ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं आप, ध्वजा देख रहे हैं, वहाँ मूर्ति गणेश जी की मूर्ति स्थापना की गई है। देखिए इतना अच्छा लग रहा है और थोड़ी देर में हवन होगा, उसमें भी बैठेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगा गाइस इस प्रकार से यहाँ आना। ये देखिए बाबा जी की समाधि है, समाधि में हम पहले सर को नमन करेंगे और दो खाएंगे। और ये देखिए बाबा जी की मूर्ति और यहाँ थोड़ी पूजा अर्चना करके बाहर आए हैं। ये खाट बाबा जी की और अब थोड़ी देर बाद में हवन होगा, उसमें बैठेंगे। तो चलिए, ये बालाजी की मूर्ति है, स्टार्ट हो गया है और दशरथनाथ जी बैठे हैं। ओम ओम हरि कलिंग सामुंडा विजय स्वाहा। आय सर्वे दुखा विस्फोटकादय तथावरम जगम चैव पुत्रम चापि यद कियम स्वाहा स्वाहा। अभिचराणि सर्वाणि मंत्र यात्राणि भूतले भूतराणि सादेव जलदा सोपदेशिका स्वाहा स्वाहा। तहजा कुल जामाला डाकिनि साजिता अंतरिक्ष सदा गौरा गौरा डाकि नित्य महाबला स्वाहा स्वाहा। ग्रह भूत भी साथ यज्ञ ओम श्री विष्णु 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 श्रीमत् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः परमपुरुषस्य पूर्वान् सकलपित उच्चार्येत कवन भवमुसन्नाति महदमस्य भवति। देखिए गाइज, हम बाबा जी के मंदिर से वापस आ गए हैं, हवन समाप्त हो गया और वहाँ पर अब कन्या पूजन वगैरह और भोजन वगैरह होगा, तो हम तो वहाँ से आ गए हैं हम घर पे, अब खाना वाना करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा
हवन बहुत ही अच्छा हुआ और 108 आहुतियाँ दी तो बहुत ही अच्छा लगा। हवन करके जब आरती की आहुति ली तो बहुत ही मन खुश हुआ। आज गाइज बाबा जी के मंदिर में ऊपरी ऊपर और गणेश जी की मूर्ति स्थापना हुई थी, इसलिए ये हवन किया गया है। और देखिए गाइज हम पहुंच गए हैं अपने घर किचन में, अब खाना वाना बनाएंगे। तो मैडम कैसा लगा आपको हवन? और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मन खुश हुआ हवन सामग्री में कि हमने बहुत सी आहुतियाँ दी और हमारी जो मनोकामना थी वो भगवान के सामने रखी और जरूर पूरी होंगी ऐसी हमें उम्मीद है।